नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड के IPO का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 3 फरवरी 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिला है तो आपको लिस्टिंग के दिन क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2 दिनों में 2 IPO लिस्ट हो चुके हैं। पहला IPO था इंडिगो पेंट्स का IPO जो करीब अपने इशू प्राइस से डबल होता हुआ नजर आया था, यानी कि 1590 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले ये करीब 3200 रुपए तक पहुंच गया था, यानी कि करीब करीब आपको इसमें 110% का गेन मिलता हुआ नजर आया था। दूसरा IPO है होम फर्स्ट फाइनेंस का IPO जिसकी लिस्टिंग आज ही मार्केट में हुई है और इसका जो इशू प्राइस था करीब 518 रुपए का था और ये करीब करीब आपको 700 रुपए तक जाता हुआ नजर आया है, यानी कि इसमें भी आपको काफ़ी बेहतरीन 30 से 40% का गेन मिलता हुआ नजर आया है, जो कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इतना गेन मिलेगा तो आपको तुरंत ही एग्जिट कर जाना है। और आपने देखा कि वहां पर जाकर मतलब 700-800 रुपए के सवा 700 रुपए के गेन पर जाकर ये वापस से नीचे आ गया और करीब 625 पर ट्रेड कर रहा था जब मैंने देखा। अब देखिए, एक और IPO है जो कल लिस्ट होने वाला है जिसका नाम है स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड का IPO। देखिए, ये IPO 25 से 28 के बीच में ओपन हुआ था अप्लाई करने के लिए और इसका जो प्राइस था, इशू प्राइस था, वो करीब 385 रुपए के आसपास था। और अगर बात करें इसके अलॉटमेंट की तो आज ही इसका अलॉटमेंट आया है और इसकी लिस्टिंग मैं आपको बता दूं तो इसकी लिस्टिंग 5 फरवरी के दिन होने वाली है, यानी कि के दिन आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो देखिए, इसकी लिस्टिंग भी काफी बढ़िया होने वाली है। और अगर हम ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो करीब चल रहा है 3 फरवरी को आप देख सकते हैं 60 रुपए के करीब चल रहा है, यानी कि 385 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले ये 60 रुपए का गेन आपको दे रहा है और करीब करीब यहां पर जो है 445 रुपए पर लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बोला था, कल भी बताया था और आज भी मैं आपको बता दे रहा हूं, एकदम सॉलिड है कि इसमें बढ़िया, इससे बढ़िया गेन, लिस्टिंग गेन जो है देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है एक नज़रिया होता है, एक डायरेक्शन होता है कि मार्केट का जो प्रीमियम है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको गेन देखने को मिल सकते हैं वो करीब करीब आपको 130 रुपए से लेकर 150 रुपए के आसपास, या फिर मैं बोलूँ 130 से 160 रुपए के आसपास आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 385 रुपए का ये शेयर आपको 160 रुपए का गेन यानी कि जो है 160 रुपए का गेन, यानी कि ये करीब 545 रुपए पर लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको काफी बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, कल मैंने जितना आपको लिस्टिंग गेन बताया और परसों भी जितना बताया आपको बिल्कुल सेम टू सेम देखने के लिए मिले। देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये 3200 रुपए हो गया, आपने यहाँ पर बोला था कि करीब 1000 रुपए से 1200 रुपए तक का गेन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई देखिए, यहां पर प्रिडिक्शन की जाती है ना ही एग्जैक्ट। देखिए, ग्रे मार्केट का प्रीमियम आपने देखा कि करीब 800 रुपए चल रहा था, यानी कि आप ये सोच के चल रहे थे कि 1490 रुपए के प्रीमियम जो है इशू प्राइस पर हमें 800 रुपए का गेन मिल जाएगा, यानी कि करीब करीब ये जो है 2290 रुपए पर लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा आपने सोचा होगा। लेकिन मैंने आपको इससे थोड़ा आगे बढ़कर बताया कि इसमें 1200 रुपए तक के गेन आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 2600 रुपए 2700 रुपए पर यह IPO लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखिए, 2700 रुपए पर लिस्ट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद फिर इसने रफ्तार पकड़ी तो 3200 रुपए तक चला गया। मैंने लिस्टिंग की बात करी थी और एक हम लोग जो है एक प्रिडिक्ट करके एक आंकड़ा बताते हैं कि कितना हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही हो, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा ऊपर हो सकता है या उससे थोड़ा सा नीचे हो सकता है, लेकिन रहेगा आपका उसी रेंज में। अब देखिए, मैंने 2600-2700 की रेंज बताया, लिस्ट वहीं पर हुआ, लेकिन उसके बाद
बाद उसमें इतनी ज़्यादा खरीदारी आ गई कि उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो देखिए बढ़ गया आपके लिए तो बढ़िया है ना, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इससे कम में नहीं होगा। मेरे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने यह भी लिखा था कि सर अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका वीडियो हमेशा ही शेयर करूँगा। तो देखिए उन लोगों के लिए आप शेयर करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन जो मैंने गेन आपको बताया था उतना ही मिलता हुआ नज़र आया है। और देखिए ये बहुत बढ़िया बात है और ये आपको फ़ायदा हुआ मेरे लिए यही बढ़िया बात है, ठीक है ना। मुझे और किसी से लेना देना नहीं है, बस आपका फ़ायदा होना चाहिए, घाटा नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपको इस आईपीओ में अगर जो है अलॉटमेंट मिला है तो आपको आगे क्या करना चाहिए, यानी लिस्टिंग के दिन क्या रणनीति अपनानी चाहिए, तो मैं यहाँ पर देखिए साफ साफ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 385 रुपये का इशू प्राइस है, ठीक है। 160 रुपये का गेन अगर मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ तो यहाँ पर लगभग 545 रुपये पर ये लिस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं रेंज बताऊँ तो ये 540 रुपये से लेकर 600 रुपये के आसपास लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा, यानी कि इतनी रेंज में अगर ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ नज़र आया तो निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। देखिए ये जो कंपनी के फाइनेंशियल हैं एवरेज एवरेज टाइप के हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया हैं और आपको मिलकर एकदम अट्रैक्टिव लग रहे हैं और आप इसको 2-3 साल के लिए रख लें। देखिए 2-3 साल के लिए रख लें तो बात अलग है, लेकिन 4-5 दिन के लिए आप इस शेयर को ना रखें। और अगर रखें तो जहाँ पर लिस्ट होता है वहाँ से एक स्टॉप लॉस लगा लें, मतलब स्ट्रिक्ट लगा लें कि यहाँ पर आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, क्योंकि लिस्टिंग के बाद ये शेयर नीचे आ सकता है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो इसके बारे में, इस शेयर के बारे में ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ये शेयर आपको थोड़ा सा भी ऊपर, यानी कि 20% गेन से ऊपर, देखिए मेरा अनुमान यही है कि 30-40% गेन इसमें मिलने वाला है, लेकिन अगर ये 20% से भी ऊपर आया तो आपको यहां पर प्रॉफिट बुक करना है, रुकना नहीं है। देखिए थोड़ा जिसने 2600-2700 रुपये पे इंडिगो पेंट्स बेचा था वो बोल रहा है कि सर आपने बोला था तो बिक गया। अब मान लीजिए आप यहाँ पर सोचिए कि आपका जो शेयर है आपने 1490 रुपये में ख़रीदा था, आपने बेचा 2700 रुपये में, ठीक है, आपने यहाँ पर जो है फ़ायदा कितना बढ़िया कमाया, उसके बाद फिर भी लोग बोल रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। भाई बुरा क्यों लग रहा है, आपने यहाँ पर 12000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये 3200 रुपये चला गया, हमें होल्ड करना चाहिए था। इसी के अपोजिट भी आपको सोचना चाहिए, इसी के अपोजिट भी सोचना चाहिए कि मान लो ये 27 पे लिस्ट होकर 2000 रुपये पर पहुंच जाता, फिर आप क्या सोचते, है ना। तो आपको दोनों तरफ सोचना पड़ता है जब आप शेयर मार्केट में काम करते हो ना, तो दोनों तरफ सोचना पड़ता है। इसीलिए आप अभी कभी कभी थोड़ा सा अगर अपना जो प्रॉफिट है वो गवा देते हो, भले ही लॉस नहीं होना चाहिए तो रिस्क मत लो। अगर देखिए यहाँ पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है जिस दिन आईपीओ लिस्ट होता है, तो अब मान लीजिए 2700 पर लिस्ट होकर मान लीजिए 2000 रुपये पर क्लोज होता तो आपको कैसा लगता, मान लीजिए 3200 हुआ था तो आपको अच्छा लगा, लेकिन 2700 पर अगर मान लीजिए 2000 रुपये पर होता तो आपको कैसा लगता। तो वो भी आपको एक अपनी नजर में रखना है। जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड सोचना पड़ता है, तभी आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें ये ऑप्शन रहता है कि आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही लगाएं। अगर जो है लॉस का चिंता नहीं होता तो वहां पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन नहीं होता, वहां पर केवल टारगेट का होता कि भाई टारगेट हमें इतना चाहिए, लॉस का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो आपको दोनों तरफ सोचना पड़ता है, तो इसलिए कभी कभी हो जाता है, इसकी टेंशन ना लें। इसमें भी मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आपको यहां पर जो है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, एक आध दिन 200-300 पॉइंट का करेक्शन आ गया तो आपको यहां पर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।